शास्त्रीपुरम स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के बलूनी पब्लिक स्कूल के नए सत्र 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है, जहां नर्सरी से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। बलूनी पब्लिक स्कूल की नई ब्रांच के उद्घाटन के बाद पहली बार सभी छात्र छात्राएं स्कूल आए और नए स्कूल में पहले दिन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत स्कूल मैनेजमेंट द्वारा तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर किया गया। शास्त्रीपुरम स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के बलूनी पब्लिक स्कूल के नए सत्र 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है, जहां नर्सरी से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। बलूनी पब्लिक स्कूल की नई ब्रांच के उद्घाटन के बाद पहली बार सभी छात्र छात्राएं स्कूल आए और नए स्कूल में पहले दिन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत स्कूल टीचर एवं स्कूल मैनेजमेंट द्वारा तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर किया गया। स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। बच्चों का आज पहला दिन है बलूनी पब्लिक स्कूल का, बच्चों को टीका लगा कर शुरुआत की गई है और काफ़ी बच्चे आए हैं हमारे यहाँ। वो सभी पेरेंट्स कुछ छोड़ने आए हैं और हमने वैन भी लगा रखी है, वैन से भी बच्चे आ रहे हैं और कोई भी बच्चों को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उम्मीद तो काफ़ी हैं और क्या नाम है, हम बहुत अच्छी शिक्षा देंगे बच्चों को। तो ये मैं समझता हूँ कि एक साल में जो है ये आज शुरुआत है इसकी, तो बहुत अच्छा पढ़ाई का स्तर रखेंगे। बता दें कि स्कूल के पहले दिन केजी क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्कूल में जमकर मस्ती की और वहीं बड़ी क्लास के छात्र भी अनुशासन का पाठ सीखते हुए नजर आए। इस दौरान स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने स्कूल के टीचर्स के साथ मुलाकात कर एक दूसरे को जानने और समझने का प्रयास किया। देखिए, जैसे आपको पता है कि आज हम लोग का फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ और ये बलूनी पब्लिक स्कूल की शास्त्रीपुरम ब्रांच है और बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ आए, हमने पहले उनको तिलक लगाया, हमने उनको फ्लावर्स दिए, प्लस जो टीचर्स हैं उन्होंने उनके लिए वेलकम कार्ड्स बनाए हैं और कुछ उनके लिए फन एक्टिविटीज़ है। बिकॉज जैसे आपको पता है कि फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिकॉज बच्चे अभी थोड़ा सा नए हैं, उनको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और कुछ गेम्स भी हमने उनके लिए रखे हैं, इस तरह हमने उनका आज वेलकम किया। हमारे यहाँ सारे बच्चे आए हैं, नर्सरी से 8th क्लास के सारे, हर तरीके के सारे बच्चे आए हैं और हम लोगों ने और टीचर्स ने उनका वेलकम किया है टीका लगा के और उन लोगों के लिए कुछ कार्ड्स भी बनाए हैं, फन एक्टिविटीज़ भी रखी गई हैं बच्चों के लिए। यहाँ सारी सुविधाएं हैं और हर तरीके की एक्टिविटीज़ है, एकेडमिक्स को पूरा ध्यान रखा जाएगा बच्चों के लिए, एकेडमिक्स के साथ साथ जितनी भी कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी ध्यान रखा जाएगा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए अभी बस भी हैं और हम लोगों ने वैन भी कर रखी हैं, जिस तरीके से अभिभावकों का सहूलियत मिलेगी उस तरीके से हम लोग बच्चों की प्रबंध कर रहे हैं। स्कूल के शुरुआत के पहले दिन स्कूल के डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल ने बताया कि उनका इस क्षेत्र में बलूनी पब्लिक स्कूल को खोलने का उद्देश्य केवल और केवल निम्न एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने का है, साथ ही उनके चरित्र के साथ साथ उनका मानसिक विकास करना और उन्हें संस्कार देना है। बलूनी पब्लिक स्कूल की नई शाखा में भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर सके और उन्हें किसी चीज की कमी न घटे। स्कूल के पहले दिन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए अभिभावक भी इस दौरान काफी खुश नजर आए। आज हमने बलूनी पब्लिक स्कूल शास्त्रीपुरम का नया सेशन चालू हुआ है, आज से बच्चे आए हैं, आज बच्चों को हमने बुला के उनका वेलकम किया है, उनको सरस्वती वंदना कराई गई है बच्चों से और उनका तिलक कराया गया। उसके अलावा रही बात क्वालिटी एजुकेशन की, बलूनी जो हमारा ग्रुप है, हमारा दयालबाग में 2012 से हमारा स्कूल चल रहा है, हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए अक्सर हैं। इसके अलावा हमारे ग्रुप में बच्चों की मेडिकल की और इंजीनियरिंग की भी तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस में। उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हमारा बच्चों के लिए बास्केटबॉल की सुविधा, फुटबॉल की सुविधा, क्रिकेट की सुविधा और बैडमिंटन की सुविधा है, एवं अन्य खेलों में हमारे बच्चे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत खुश है और क्यों, बिकॉज ऑफ ये नई ब्रांच है तो मुझे लगा कि बच्चे के लिए यहाँ पर ज़्यादा केयरफुल मतलब केयरिंग रहेगा और अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इसीलिए मैंने अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन कराया। सभी हैं जो एक अच्छे स्कूल्स में होनी चाहिए वो सब है, और मतलब यहाँ पे स्विमिंग पूल का भी सर ने बोला है होने वाला है और
बाकी सब चीज़ें मतलब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नो नहीं नहीं सर, मैंने अदर स्कूल में भी मतलब हाँ जी ऑब्जर्वेशन किया था, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी है, फीस में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बलूनी पब्लिक स्कूल की शास्त्रीपुरम स्थित नई ब्रांच में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक एडमिशन ओपन है। यही नहीं, स्कूल तक बच्चों को लाने और ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।